प्यारे एमएलटी परिवार के सदस्यों, आज मैं आपके अनुरोध से लाया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है कलोरीमीटर्स, फोटोमीटर्स और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। आपको पता है ये सारे एकदम महत्वपूर्ण मशीन्स हैं और लगभग क्लिनिकल लैबोरेटरी के सारे सेक्शन में इनका कहीं ना कहीं वहाँ पर होता है। इतना ही नहीं तो आजकल के सारे ऑटोमेटिक मशीन के ये एक इंटीग्रल यानी के अंदर के महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स है। कलोरीमीटर्स सिर्फ रंगीन द्रव्य का मापन करते हैं और फोटोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स रंगीन द्रव्य, पंकिल द्रव्य, तरबीड द्रव्य और कलरलेस द्रव्य का भी मापन करते हैं। और फोटोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस है कि फोटोमीटर से भी ज़्यादा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स एकदम एक्यूरेट है। ये रंगीन द्रव्यों का मापन क्यों करना है? आपने मेरा वीडियो देखा ही होगा जो मैंने डायग्नोस्टिक किट पर बनाया हुआ है, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, तो आपको पता चले कि एक टेस्ट में आप जब भी ये प्रोसीजर यूज करते हैं जहाँ पर टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड होता है और रिएजेंट्स ऐड करने के बाद में उसमें जब भी आप सैंपल्स, सीरम और प्लाज्मा और स्टैंडर्ड डालते हैं तो रंगीत कलर आता है, तो उसका जब आप मापन करते हैं तो वो मापन होता है ऑप्टिकल डेंसिटी में। जैसे कि टेस्ट का वैल्यू अगर ग्लूकोज के लिए 0.200 ऑप्टिकल डेंसिटी है और स्टैंडर्ड के लिए 0.100 ऑप्टिकल डेंसिटी है, तो जो बियर्स का फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट डिवाइडेड बाय ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 जो स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन है, उससे आपको पता चलता है कि टेस्ट का ग्लूकोज का वैल्यू है 200 मिलीग्राम परसेंट। तो खून में जो भी कॉम्पोनेंट्स है जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और अलग अलग तरीके के एंजाइम्स, PGOT, AGPT, ये सारे आप इनका सारे का मापन आप कर सकते हैं फोटोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के जरिए। तो ये मशीन्स कौन से सिद्धांत पर निर्भरित है? तो ये मशीन्स बियर और लैम्बर्ट्स के नियम पर निर्भरित है। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बताऊं कि लाइट का जो हम जिक्र कर रहे हैं उसका यूनिट है नैनोमीटर्स और एक नैनोमीटर 10^9 मीटर के बराबर होता है। और एग्जांपल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर हमने लिया है सीरम और प्लाज्मा यूरिया का एग्जांपल। तो बियर्स लॉ का सिद्धांत क्या है? बियर्स लॉ का सिद्धांत ये है कि ऑप्टिकल डेंसिटी समानुपातिक प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट, जो कॉम्पोनेंट सीरम या प्लाज्मा में है। जैसे कि आपने मापा 0.150 ऑप्टिकल डेंसिटी यूरिया का एक सैंपल का और दूसरे सैंपल का होगा 0.300, तो इसका मतलब ये है कि पहले सैंपल से दूसरे सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन नियरली डबल है, लगभग एग्जैक्टली डबल है। और लैम्बर्ट्स सिद्धांत क्या है? लैम्बर्ट्स सिद्धांत ये है कि ऑप्टिकल डेंसिटी समानुपातिक होती है जिस मार्ग से लाइट संक्रमण करता है, मतलब जो ट्यूब का व्यास है, डायमीटर, वो डायमीटर से प्रोपोर्शनल होता है ऑप्टिकल डेंसिटी का वैल्यू।
तो एक चीज ध्यान में रखिए कि सभी ट्यूब्स जिनको क्यूएट्स कहते हैं उनका डायमीटर एग्जैक्टली सेम रहता है, इसके लिए लैम्बर्ट्स लॉ का एक्चुअली वापर यहाँ पे नहीं होता है। और बियर्स लॉ से जो फॉर्मूला मिलता है वो फॉर्मूला है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट डिवाइडेड बाय ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड। अगले बार हम उसके डेरिवेशन की चर्चा करेंगे, ठीक है। इनके बेसिक कंपोनेंट्स क्या है? पहले तो कंपोनेंट नंबर वन लाइट सोर्स बल्ब, उसके बाद में सेकंड कंपोनेंट स्लिट, थर्ड कंपोनेंट एक फिल्टर, चौथा कंपोनेंट है क्यूएट, पांचवा कंपोनेंट है फोटोसेल्स और छठा कंपोनेंट है माइक्रोमीटर मीटर रीडिंग के लिए। तो अब चलिए देखते हैं कि हर एक कंपोनेंट यानी कि घटक का कार्य क्या है। कंपोनेंट एक, प्रकाश देने वाला बल्ब, टंगस्टन लैंप विजिबल स्पेक्ट्रम देता है जो लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है जैसे सात रंग का बना हुआ। अगर अल्ट्रावायलेट लाइट और इंफ्रारेड लाइट की जरूरत है तो ड्यूटेरियम डिस्चार्ज या हैलोजन लैंप की जरूरत होती है। कंपोनेंट नंबर दो स्लिट, स्लिट का कार्य ये है कि लैंप से जो विस्तृत प्रकाश मिल रहा है उसमें से एक हिस्सा सीधा फिल्टर पर पास करे। कंपोनेंट नंबर तीन फिल्टर, फिल्टर का कार्य क्या है? फिल्टर का कार्य ये है कि उसके वेवलेंथ के अनुसार लाइट पास करे, जैसे 475 नंबर का फिल्टर नीले रंग का 20 से 30 नैनोमीटर का लाइट पास करता है और 520 नंबर का फिल्टर हरे रंग का लाइट पास करता है एक छोटे विड्थ के साथ जैसे 20 से 30 नैनोमीटर। कंपोनेंट नंबर चार क्यूवेट, क्यूवेट में ऑप्टिकल डेंसिटी रीडिंग के लिए द्रव्य रखने का कार्य है और इसमें से फिल्टर से आई हुई लाइट पास होती है, फिर द्रव्य के घनता के अनुसार लाइट का द्रव्य में शोषण होता है और बाकी लाइट पांचवें कंपोनेंट पर जाते हैं और वो है फोटोसेल्स। कंपोनेंट नंबर पांच फोटोसेल्स, प्रकाश संवेदनशील लाइट सेंसिटिव मटेरियल से बनते हैं जैसे कि सेलेनियम या कैडमियम। जैसे ही क्यूवेट से निकली हुई लाइट इस पर गिरती है तो लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित होती है। और कंपोनेंट नंबर छः जो है मीटर, उस पर रीडिंग आता है। और जानकारी के लिए आप हमारा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का पुस्तक पढ़िए। पर्सन ट्रांसमिटेंस कन्वर्जन जो कन्वर्ट होता है ऑप्टिकल डेंसिटी में, उसका फॉर्मूला है माइनस लॉग टी। क्यूवेट्स के बारे में मैं आपको थोड़ी और जानकारी देना चाहता हूँ, वो एकदम महत्वपूर्ण है। जो क्यूवेट्स होते हैं वो ऑर्डिनरी टेस्ट ट्यूब्स नहीं होते हैं, वो ऑप्टिकली मैच क्यूवेट्स रहते हैं। मीन्स अगर 6 क्यूवेट्स होंगे तो सभी का डायमीटर और लाइट ट्रांसमिट करने का तरीका एग्जैक्ट सेम होता है। दूसरी बात यह है कि आजकल के सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स में सेमी और फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन्स में फोटोसेल्स यूज होते हैं, वो क्यूवेट्स ही है, मगर वो क्यूवेट्स एकदम हाईली स्पेसिफिक कि वो टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं जैसे 25 डिग्रीज 30 डिग्रीज और 37 डिग्रीज जो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए काम आते हैं। इसके बारे में हमारा बुक जरूर पढ़िए। और आखिर में आपको इंस्ट्रूमेंट के केयर और मेंटेनेंस के बारे में मालूम होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो
बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और अगर आपने उनका अच्छी तरह से ख्याल नहीं किया तो आपका नुकसान है इसमें और आपके ओनर का तो बहुत ही नुकसान है। तो केयर और मेंटेनेंस के बारे में फोटोमीटर के लिए कैसे आप करते हैं केयर और मेंटेनेंस वो जरा देखिए। पहली तो बात यह है कि जब इंस्ट्रूमेंट यूज में न हो तो आप जब काम खत्म करते हैं तो ये जरूर देखें कि ये मशीन आप एक अच्छी कवर से ढक रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि जब भी ये मशीन आप ऑपरेट करेंगे तो ये जरूर देखिए कि क्यूवेट्स पानी से भरे हुए उधर मशीन के अंदर है कि नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर क्यूवेट पानी से भरा हुआ नहीं होगा और क्यूवेट ही नहीं होगा मशीन में और आप अगर मशीन चालू करेंगे तो वो एकदम स्ट्रांग लाइट डायरेक्ट आपके फोटो सेल पे जाके फोटो सेल डैमेज हो सकती है और फोटो सेल्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। और तीसरी बात क्या है कि आप मेंटेनेंस का इसका जरूर ख्याल रखिए, वो आपके बॉस बता देंगे और आप अगर ओनर हैं तो ये मशीन के मेंटेनेंस के बारे में बार बार देखते रहिए, ओके। नेक्स्ट टाइम मैं फोटोमीटर के ऑपरेशन के बारे में मीन्स वो कैसे यूज करते हैं एक्चुअली उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो आज के लिए आपने जो भी कुछ सुना है तो उसके बारे में आप जरूर लिखिए, आपके प्रश्न कुछ होंगे तो पूछिए और हमारा ये चैनल है सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वो बेल बटन दबाइए तो आपको पता चले कि नया वीडियो कौन सा आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। डियर स्टूडेंट्स, अभी शाम का वक्त है तो वेरी गुड इवनिंग और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे खुशहाल हैं और पढ़ाई में दिलचस्पी ले रहे हैं। आज हम बात करेंगे पहले बियर और लैम्बर्ट्स लॉ के सिद्ध करने के बारे में, डेरिवेशन के बारे में और बाद में मैं आपको और जानकारी दूंगा फोटोमेट्री के बारे में। तो चलो पहले बियर और लैम्बर्ट्स लॉ का डेरिवेशन सिद्ध करें। बियर और लैम्बर्ट्स लॉ के अनुसार टी इज इक्वल टू 10^KCl, इसमें K है जो क्यूवेट में द्रव्य रिएजेंट है उसका विशेष गुण, जैसे पानी का गुण अलग, अल्कोहल का अलग, एसिड का अलग। तो यह हम जो रिएजेंट ले रहे हैं टेस्ट के लिए, स्टैंडर्ड के लिए और ब्लैंक के लिए, वो एक ही तो है, इसके लिए K है एक कांस्टेंट यानी कि स्थिर। फिर L है क्यूवेट का डायमीटर, इसका मतलब है लाइट पाथ। तो लाइट पाथ तो कांस्टेंट ही तो है क्योंकि सेम क्यूवेट आप यूज कर रहे हैं, सिमिलर क्यूवेट आप यूज कर रहे हैं हर एक रीडिंग के लिए। और सी है क्यूवेट में जो द्रव्य है उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो टेस्ट का तो कॉन्सेंट्रेशन हमें पता नहीं है, वो है हम बोलते हैं इसको अननोन कॉन्सेंट्रेशन, जैसे ग्लूकोज आप माप रहे हैं आपको नहीं पता है। और स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन तो आपको पता होता है, जैसे ग्लूकोज डिटर्मिनेशन के लिए आप 100 mg% का स्टैंडर्ड यूज करते हैं। तो अभी क्या करें कि आप सभी बेसिक लॉगरिथम तो सीखे हैं। अभी टी इज इक्वल टू 10^-KCl लॉग में रूपांतर करते हैं तो बनता है माइनस लॉग टी इज इक्वल टू KCl, और माइनस लॉग टी तो आपको पता ही है कि इज इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी ओडी, इसका मतलब है ओडी इज प्रोपोर्शनल टू सी कॉन्सेंट्रेशन। तो टेस्ट के लिए ये फॉर्मूला बनता है ओडी ऑफ टेस्ट इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्ट विच इज अननोन, और स्टैंडर्ड के लिए बनता है ओडी ऑफ स्टैंडर्ड इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड विच इज नोन। अभी जब ये दोनों इक्वेशन एक साथ जुड़ते हैं
तो फॉर्मूला बनता है ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट डिवाइडेड बाय ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्ट अननोन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड नोन। तो ये रीअरेंज करके ये फॉर्मूला बनता है कि अननोन टेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट डिवाइडेड बाय ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। तो ये फॉर्मूला आप कैसे यूज करते हैं कि अननोन कॉन्सेंट्रेशन जैसे ग्लूकोज का आप माप रहे हैं तो आपको ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट आप पढ़ सकते हैं फोटोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर, फिर ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड का रीडिंग भी आप ले सकते हैं फोटोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पर, और कॉन्सेंट्रेशन स्टैंडर्ड का तो आपको पता ही है जो ग्लूकोज के लिए हम 100 mg% यूज करते हैं। तो जो प्लाज्मा में ग्लूकोज है उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये फॉर्मूले के जरिए। तो यह बियर का समीकरण फॉर्मूला सभी क्वांटिटेटिव टेस्ट के लिए जहां पे पेशेंट के सैंपल्स जैसे सीरम प्लाज्मा यूरिन सीएसएफ इनके घटकों का एक्यूरेट यानी के सटीक मापन करते हैं वहां पर अनिवार्य है। इसके लिए एक सिंपल ग्राफ आप जब भी बनाते हैं एक रंगीत सॉल्यूशन लेके और ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पर रंगीन द्रव्य के अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस और वाई एक्सिस पर हर एक का जो ऑप्टिकल डेंसिटी रीडिंग कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग जो बोलते हैं उसको वो आप प्लॉट करते हैं और यदि आप ये सब पॉइंट जो आते हैं ग्राफ पर वो जोड़ते हैं तभी एक सीधी लाइन तैयार हो जाती है। तो जहाँ तक ये सीधी लाइन रहती है वहाँ तक मर्यादा है ये बियर के नियम का, इसका मतलब बियर का नियम वहाँ तक ही मान्य है उसके आगे नहीं। इसके लिए हर एक डायग्नोस्टिक किट में उनका जो पैम्पलेट रहता है अंदर लिटरेचर उसमें लिखा जाता है, एक उदाहरण के तौर पर मैं देता हूँ प्लाज्मा ग्लूकोज का उदाहरण, उसमें ऐसे लिखते हैं जैसे कि ये किट है वो 500 मिलीग्राम तक ही बियर का नियम तय करता है मान्य करता है। इसका मतलब अगर 500 मिलीग्राम स्टैंडर्ड का रीडिंग है 0.600 और टेस्ट का रीडिंग 0.600 के ऊपर आया तो आपको कैलकुलेशन अभी नहीं करना है टेस्ट को, आपको पानी या सलाइन लेके जो भी सैंपल प्लाज्मा और सीरम आप ले रहे हैं वो पतला करें मिक्स करें अच्छी तरह से उसका 1:5 डाइल्यूशन करें जिसमें एक भाग सैंपल का होता है और 4 भाग होते हैं पानी के नहीं तो सलाइन के, और अच्छी तरह से मिक्स करें और वापस टेस्ट करिए और वापस जो रीडिंग मिलता है उससे ग्लूकोज का कैलकुलेशन करके उसे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो ही आपको ग्लूकोज का करेक्ट रीडिंग मिलेगा। और एक बात है कि आपको एग्जामिनेशन में या इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री फिल्टर का क्या मतलब है, तो जवाब होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फिल्टर एक विशिष्ट रंग ट्रांसमिट करता है पास करता है जो टेस्ट के रिजल्ट में सर्वाधिक मैक्सिमम शोषित एब्सॉर्ब होता है। तो ये कैसा समझता है कि कौन सा फिल्टर कॉम्प्लीमेंट्री है, वैसे तो हर एक किट के साथ में तो वो तो आपको बता ही देते हैं कि कौन सा फिल्टर यूज करते हैं, मगर एक सिंपल सी बात ये है कि एक ही रंगीन द्रव्य का अलग अलग फिल्टर का उपयोग करके ऑप्टिकल डेंसिटी ले, तो जो फिल्टर ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग देते हैं वह सब कॉम्प्लीमेंट्री फिल्टर, मगर बियर के नियम का पालन जरूर हो। और स्पेक्ट्रम में देख के भी आप समझ सकते हैं कि अगर नीला रंग मापना है तो एक्सट्रीम राइट साइड देखो तो लाल रंग का फिल्टर है कॉम्प्लीमेंट्री, और
अगर आप पीले रंग के मापन के लिए आप स्पेक्ट्रम में देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट में जैसे वायलेट में तो ब्लू कलर नीले रंग का फिल्टर आप यूज करेंगे और पीले रंग के मापन के लिए पीले ही रंग का फिल्टर इसके लिए नहीं यूज करेंगे कि उससे आपको बहुत ही लो रीडिंग मिलेगा। तो यह है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फिल्टर का। तो आखिर में मैं आपको और एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि लेबोरेटरी के हर एक चीज के विशेषता की स्पेसिफिकेशन की आपको पूरी जानकारी हो। तो अगर आपको प्रश्न पूछा कि कौन सा फोटोमीटर आपने यूज किया है उपयोग किया है तो उसकी स्पेसिफिकेशन बताइए, तो आप क्या बताएंगे? मैं एग्जांपल के तौर से आपको बता रहा हूँ कि मैं कहूँगा कि पहले नाम बताइए, एरमा फोटोमीटर, सिंगल फोटो सेल, एक ही सेल है, सिंगल बीम, एक ही लाइट का रे बीम निकलता है और इसके पांच फिल्टर्स है, वो पांच फिल्टर्स देते हैं एरमा कंपनी, जैसे कि 470 नीला फिल्टर और 520 हरा फिल्टर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे हर एक चीज़ की विशेषता आपको नोटबुक में लिखते जाइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण। अगले वीडियो में मैं आपको फोटोमीटर का कैसे उपयोग करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं उसका डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। और आप सभी छात्र इस वीडियो के बारे में अभिप्राय दें और ये वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल बटन दबाइए तो फिर आपको पता चले कि अगला वीडियो कौन से आने वाला है। तो आप सभी के लिए मेरे बेस्ट विशेष, थैंक यू। तो चलिए आज का विषय है फोटोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसे ऑपरेट करें, कैसे चलाएं। उसके पहले मैं आपको वापस बताऊं कि फोटोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या फर्क है। फोटोमीटर में टंगस्टन लैंप होता है जो सिर्फ विजिबल लाइट नैनोमीटर्स देता है और फिल्टर्स ब्रॉड मतलब चौड़ा प्रकाश का भाग ट्रांसमिट संचारित करते हैं और क्यूवेट्स होते हैं कांच के जो यूवी टेस्ट के काम नहीं आते। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में टंगस्टन लैंप तो होता ही है, उसके अलावा हैलोजन नहीं तो ड्यूटेरियम डिस्चार्ज का लैंप भी होता है जो यूवी लाइट विजिबल लाइट और नज़दीक के इंफ्रारेड नैनोमीटर के लिए काम आता है। फिर इसमें जो मोनोक्रोमीटर है जिसमें स्पेक्ट्रम और स्प्लिट यूज करके एक नैनोमीटर से लेके 4 से 6 नैनोमीटर तक लाइट एकदम नैरो लाइट संचरित करते हैं ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। और उसके जो क्यूवेट्स होते हैं वो खास होते हैं जो यूवी और इंफ्रारेड लाइट के लिए एकदम अच्छी तरह से आप यूज कर सकते हैं। और फिर कुछ तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में जो खास होते हैं उनमें 25, 30 और 37 डिग्री सेंटीग्रेड का स्थिर टेम्परेचर स्थिर तापमान भी मिलता है जो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स बहुत ही संवेदनशील और एकदम एक्यूरेट होते हैं फोटोमीटर से और वैसे ही खर्चे भी होते हैं फोटोमीटर से। तो चलो चलो चलते हैं, हम देखते हैं कि और ये मशीन्स ऑपरेट कैसे करते हैं। एक सेल और एक लाइट बीम फोटोमीटर, पहले मेन स्विच ऑन करें, फिर फोटोमीटर का बटन जो ऊपर बांग के नीचे दिख रहा है वह ऑन करें, इससे लाइट बल्ब चालू होगा। डिस्टिल वाटर से भरी क्यूवेट रखें, जो फिल्टर चाहिए वह फिल्टर की जगह रखें। सबसे ऊपर वाला बाल देखो, फिर जहां हाथ की उंगली दिख रही है वह बटन घुमाते फोटोमीटर का पॉइंटर दर्शक
100 प्रतिशत ट्रांसमिटेंस यानी कि जीरो ऑप्टिकल डेंसिटी पर स्थिर करें। अब रंगीन द्रव्य भराव को एक रखें और पॉइंटर यानी कि दर्शक रीडिंग दिखाएगा। यह है डिजिटल फोटोमीटर। इसमें फिल्टर्स अंदर ही फिक्स्ड है और ऊपर का बांध देखिए, यह पार्ट घुमाकर आप जो फिल्टर चाहिए वह एडजस्ट यानी कि समायोजित कर सकते हैं। फिर क्यूवेट में रखकर पानी नीचे दिख रहा है वह बटन घुमाइए और जीरो ऑप्टिकल डेंसिटी रीडिंग समायोजित करें। अभी रंगीन द्रव्य भरा कर क्यूवेट रखें और देखिए 0.35 ऑप्टिकल डेंसिटी रीडिंग दिख रहा है। ये तो बहुत ही इजी है ऑपरेट करने के लिए। अब स्पेक्ट्रॉनिक 20 स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसे चलाएं? पहले जो वेवलेंथ चाहिए वह समायोजित यानी कि एडजस्ट करें, फिर जीरो ट्रांसमिटेंस समायोजित करें दाहिने तरफ के दस्ते यानी कि नॉब के साथ। अभी पानी में भरी क्यूवेट रखकर बाहिने तरफ के दस्ते से यानी कि नॉब से 100% ट्रांसमिटेंस यानी कि जीरो ऑप्टिकल डेंसिटी पर दर्शक यानी कि पॉइंटर लाइए। अब रंगीन द्रव्य क्यूवेट में रखकर ऑप्टिकल डेंसिटी रीडिंग दिखे। सभी छात्रों से यह विनती है कि अब एक MCQ एग्जाम दे दें और टॉपिक है फोटोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स। यह MCQ एग्जामिनेशन देने के पहले आप हमारे चैनल पर सभी फोटोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के वीडियो जरूर देखें और अच्छी तरह समझें। फिर 10 मिनट का टाइमर लगाकर यह MCQ एग्जामिनेशन दीजिए और मुझे आपके उत्तर भेजना। थैंक यू।
Dear students, these are answers of MCQs on photometers and spectrophotometers. यह MCQ photometers और spectrophotometer के उत्तर है. आप अपना पेपर अब चेक करके हमें अपने मार्क्स बताइए. Kindly correct your paper and let me know your marks. Thank you.